नमस्कार, आप सभी छात्रों का आज इसी कंटेंट में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बीए पार्ट सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र, अंग्रेजी में इसको सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक मानव शास्त्र के पहले मानव शास्त्र क्या है इसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। मानव एक बुद्धिमान प्राणी है। इसी विशेषता के कारण वह आदिकाल से खोज और आविष्कार करता रहा है। प्रारंभ में उसने अपने प्राथमिक आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाओं के लिए प्रयास किए। जैसे जैसे उसको सफलताएं मिली, वैसे वैसे उसने अपने चारों ओर से जो कुछ देखा उसका अवलोकन किया, प्रकृति को देखा, परखा तथा अनुभव के आधार पर ज्ञान की वृद्धि की। इसने अनेक प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया। इसी क्रम में मानव समाज में अनेक वैज्ञानिक पैदा हुए। उन्होंने भिन्न भिन्न घटनाओं और अध्ययन की वस्तुओं के लिए विशिष्ट विज्ञानों तथा विषयों की स्थापना की और एक समय ऐसा आया उसका ध्यान स्वयं पर गया कि वह अन्य प्राणियों से भिन्न क्यों है। मानव रूपी वैज्ञानिकों ने स्वयं को अध्ययन की वस्तु के रूप में मानकर उसके अनेक पहलुओं का अध्ययन करना प्रारंभ किया। और केवल मानव ही संस्कृति का निर्माता क्यों है? अन्य जीव संस्कृति का निर्माण क्यों नहीं कर पाते हैं? और मानव प्राणी किन किन विशेषताओं के कारण जीव जगत में अन्य प्राणियों से सर्वोपरि क्यों है? इस प्रकार मानव और उसके समाज का अध्ययन अनेक प्रकार से किया जा रहा है। विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अध्ययन की सुविधा के लिए मानव और समाज से संबंधित अध्ययनों की सामग्री तथा दृष्टिकोण के आधार पर विभिन्न विज्ञानों की स्थापनाएं की है। और इन विभिन्न विज्ञानों के अध्ययन के क्षेत्र विषय सामग्री, दृष्टिकोण तथा शाखाओं और उपशाखाओं के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद भी है। सामाजिक मानव शास्त्र के संबंध में इस प्रकार के मतभेद अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में कुछ अधिक ही रहे हैं। और एक वैज्ञानिकों का संप्रदाय सामाजिक मानव शास्त्र को समाज शास्त्र की शाखा से मानता है तो दूसरा संप्रदाय से मानव शास्त्र की शाखा मानता है। और इसी मतभेद के कारण सामाजिक मानव शास्त्र की लगभग सभी पुस्तकों में इस विषय की विवेचना करने से पहले मानव शास्त्र की प्रकृति और विशेष क्षेत्र की विवेचना भी की जाती है। और ऐसा करना परंपरा सी बन गई है, जिसका निर्वाह इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में भी किया गया है। और सामाजिक मानव शास्त्र उसे प्रवेश के लिए इस समस्या का निर्वाह भी करता है। इसके पश्चात अब हम सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा मानव शास्त्रियों, सामाजिक मानव शास्त्रियों तथा समाज शास्त्र में दी है। अब हम विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई इसकी परिभाषाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला बिंदु है प्रधानतः आदिम समाजों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सबसे पहले समाज शास्त्री है रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार। वह कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा समाज शास्त्री है इवांस प्रिचार्ड। वो कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाज शास्त्रीय अध्ययनों की वह शाखा माना जाता है जो प्रधानतः अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। तीसरी जो परिभाषा है वो नेडर के अनुसार है। वो कहते हैं सामाजिक मानव शास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य आदिम लोगों को समझना है। लूसी मेयर ने कहा कि सामाजिक मानव शास्त्र का ध्यान सदा ऐसे समाजों पर केंद्रित रहा है जो आदिम कहे जाते हैं।
उसी प्रकार हमारे समाज शास्त्री एम.एल. श्रीनिवास कहते हैं कि इसके अंतर्गत आदिम सभ्य एवं ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। इसका दूसरा बिंदु है तुलनात्मक अध्ययन करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र प्रधानतः आदिम समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसमें हमारे एम.एल. श्रीनिवास कहते हैं यह मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। दूसरे समाज शास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन वह कहते हैं सामाजिक मानव शास्त्र विभिन्न प्रकार के समाजों की व्यवस्थित तुलना के द्वारा मानव समाज की प्रकृति का अनुसंधान है। तीसरे हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में सामाजिक मानव शास्त्र को समाजों का तुलनात्मक अध्ययन कहा है। सामाजिक मानव शास्त्र एक समाज शास्त्र है जो मानव समाजों के तुलनात्मक अध्ययन में लगा हुआ है। अतः सामाजिक मानव शास्त्र विविध आदिम समाजों की व्यवस्थाओं की तुलना करता है तथा सामान्य नियम प्रतिपादित भी करता है। इसी प्रकार इन परिभाषाओं में तीसरा बिंदु है समाज शास्त्र की शाखा है। रेडक्लिफ ब्राउन तथा इवांस प्रिचार्ड के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र समाज की एक शाखा है जो आदिम समाजों का अध्ययन करती है। रेडक्लिफ ब्राउन का कथन है कि सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। इसी के अंतर्गत चौथा बिंदु है संस्थागत सामाजिक व्यवहार का अध्ययन। सामाजिक मानव शास्त्र प्रधानतः आदिम समाजों के सामाजिक व्यवहारों विशेष रूप से संस्थाओं सामाजिक व्यवहारों का उनमें पाए जाने वाले संबंधों संस्थाओं आदि का अध्ययन करता है। इसके संदर्भ में कुछ समाज शास्त्री जो है निम्न परिभाषाएं देते हैं। पहला नाम है इवांस प्रिचार्ड, वो कहते हैं कि यह विज्ञान अर्थात सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा समाज शास्त्री है चार्ल्स विनी, ये कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। और तीसरा समाज शास्त्री है मुर्डॉक महोदय कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र मुझे सांस्कृतिक मानव शास्त्र के वह शाखा प्रतीत होती है जो कि अंतर्व्यक्ति संबंधों का अध्ययन करती है। और समाज शास्त्र में व्यक्तियों के परस्पर संबंध अंतर्व्यक्तिक संबंध सामाजिक संबंध तथा आगे चलकर यही सामाजिक व्यवहार और प्रक्रियाएं बन जाती है जो मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसके बाद इसका पांचवा बिंदु है सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन का विज्ञान। इसके अंतर्गत पहली परिभाषा है नेडल के अनुसार, वो कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम लोगों को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहते हैं एवं कार्य करते हैं समझना है। दूसरा है समाचार दुबे के विचार हैं समाज के संगठन और प्रक्रियाओं का अध्ययन मानव शास्त्र की एक शाखा अर्थात सामाजिक मानव शास्त्र के रूप में किया जाता है। चार्ल्स विनिक कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है जो विशेष रूप से सामाजिक संगठन और संस्थाओं का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करता है। इन परिभाषाओं का छठा बिंदु है आदिम समाजों की संस्कृति का विज्ञान है। इसके अंतर्गत एक परिभाषा है पिडिंगटन के अनुसार, वो कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्री समकालीन आदिम समुदायों की संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। इसका सातवां बिंदु है आदिम समाजों की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है। सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है, उन परिभाषाओं का सार यही निकलता है कि सामाजिक मानव शास्त्र वह विज्ञान है
जो कि आदिम समाजों की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। इसी बात को निर्मल मौद्गल्य ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम समाजों को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहते हैं एवं कार्य करते हैं समझना है। इन उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामाजिक मानव शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो प्रधानतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है तथा इनका विशेष रूप से यथाकथा अध्ययन भी करता है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। इसका पहला बिंदु है सामाजिक मानव शास्त्र का विशेष क्षेत्र। सामाजिक मानव शास्त्र एक नया विज्ञान है। इसके विशेष क्षेत्र को तय करने में विद्वानों ने काफी प्रयास किए। विशेष क्षेत्र से तात्पर्य है कि विज्ञान के अध्ययन का दायरा कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी संभावित सीमाएं क्या क्या है, विषय के अंतर्गत विशिष्ट सामग्री का अध्ययन किया जाता है अथवा सामान्य बातों का अध्ययन किया जाता है आदि। सामाजिक मानव शास्त्र के विशेष क्षेत्र के संबंध में वैज्ञानिकों में सभी प्रकार के समाजों, मुख्यतः छोटे और आदिम समाजों, सभी भौगोलिक क्षेत्रों तथा सभी कालों के समाजों को सम्मिलित भी किया जाता है। इसका पहला बिंदु है सामाजिक मानव शास्त्र सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है, मुख्यतः आदिम समाज का। सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में सामाजिक मानव शास्त्रों में मतभेद है। रेडक्लिफ ब्राउन, नेडेर, पिडिंगटन, होबर आदि का कहना है कि सामाजिक मानव शास्त्र का विशेष क्षेत्र केवल आदिम समाजों तक ही सीमित रहता है, लेकिन विद्वानों के दूसरे समूह का मानना है कि सामाजिक मानव शास्त्र सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है। इनके अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र का विशेष क्षेत्र आदिम समाजों तक ही सीमित नहीं है। इस दूसरे मत के अग्रणी सामाजिक मानव शास्त्री हिमांश प्रिचार्ड है और सभी समाजों का अध्ययन क्षेत्र मानने वाले अन्य विद्वान एम.एन. श्रीनिवास है। आपने लिखा है कि यह मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य एवं ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। वास्तविकता यह है कि सामाजिक मानव शास्त्र अधिकतर आदिम समाजों का अध्ययन करता है। इसका दूसरा बिंदु है छोटे समाज अध्ययन का क्षेत्र है। वैज्ञानिक सत्य यह है कि सामाजिक मानव शास्त्र का विशेष क्षेत्र वे समाज है जो जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल और सामाजिक संपर्क की दृष्टि से आकार में बहुत ही छोटे और सीमित होते हैं। अर्थव्यवस्था और शिल्प कला साधारण हो, सामाजिक कार्यों बहुत ही मामूली विशेषता हो और साधारण रूप से उसका कोई साहित्य भी नहीं होता है। इसका तीसरा बिंदु है विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र। सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन के भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। इसका विशेष क्षेत्र विश्व के सभी समाज हैं। संसार के विभिन्न भागों में पहले लोगों का तथा उनके समाजों का सामाजिक मानव शास्त्र अध्ययन करते हैं और यहाँ पर इवांस प्रिचार्ड ने अपने BBC द्वारा प्रसारित प्रथम वक्तव्य में बार बार कहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र विश्व के क्षेत्रों अफ्रीका, भारत, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, तुर्की, इंग्लैंड, आयरलैंड, जापान, कनाडा, अमेरिका आदि क्षेत्रों के समाजों का अध्ययन करता है। इनके अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र का भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से अध्ययन का क्षेत्र भी व्यापक है। इसका चौथा बिंदु है तुलनात्मक अध्ययन। सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र काफी व्यापक एवं विस्तृत इस कारण से भी है क्योंकि यह समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। और श्रीनिवास ने लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र
समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र विभिन्न प्रकार के समाजों की व्यवस्थित तुलना के द्वारा समाज की प्रकृति का अनुसंधान है। इसका पांचवा और अंतिम बिंदु है, ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन करता है। इवांस प्रिचार्ड ने अपने बीबीसी द्वारा प्रसारित प्रथम व्याख्यान जो सामाजिक मानव विज्ञान पुस्तक में प्रकाशित हुआ है में विस्तार से सामाजिक मानव शास्त्र के विशेष क्षेत्र पर प्रकाश डाला है। उसमें आपने इसका विशेष क्षेत्र ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन बताया है। इन्हीं के शब्दों में अभी हाल में कुछ वर्षों में सामाजिक मानव शास्त्र द्वारा अथवा सामाजिक मानव शास्त्र की दृष्टि से ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन किया है। उन्होंने ऐतिहासिक अध्ययनों में निम्न उदाहरण दिए हैं। ऐसे अध्ययन सर जेम्स फ्रेजर के प्राचीन यहूदी लोगों की तथा रोम की संस्कृति के कुछ पहलुओं के संबंध में अध्ययन किया है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक मानव शास्त्र का विशेष क्षेत्र समाज भौगोलिक क्षेत्र और समय की दृष्टि से बहुत विस्तृत है। प्रधानतः इसके अध्ययन के क्षेत्र सभी छोटे समाज अर्थात आदिम समाज ही है। सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से इसके अध्ययन के क्षेत्र में कुछ भिन्नता पता मिलती है। ग्रामीण और नगरीय समाजों का भी यह विज्ञान यदा कदा अध्ययन करता है। तो हमने आज सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।